ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 12/4/2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, ज्ञान अमृत है और योग अग्नि है। ज्ञान और योग से तुम्हारे सब दुख दर्द दूर हो जाएंगे। प्रश्न है, कौन सा रस ज्ञान से प्राप्त होता है, भक्ति से नहीं? उत्तर, जीवन मुक्ति का रस। जीवन में रहते हुए सभी दुख दर्द से मुक्त, ये जो रस है सतयुग वाला, यह भी मिलता है हमें, तो ये ज्ञान से प्राप्त है। भक्ति से किसी को भी जीवन मुक्ति का रस नहीं मिल सकता है। बाबा जब आते हैं तो बच्चों को जो डायरेक्शन देते हैं वही ज्ञान है, उसी पर चलने से ही स्वर्ग की राजाई मिल जाती है। गीत है आज का, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। बच्चों का भोला बाबा बच्चों के प्रति समझा रहे हैं, इसको कहा जाता है शिव भोला बाबा। हमेशा शिव को बाबा कहा जाता है। कोई चित्र देखे व न देखे परंतु याद करते हैं शिव भोलानाथ को। शंकर व विष्णु या ब्रह्मा को भोलानाथ नहीं कहते हैं। भोला अक्षर कहने से मनुष्यों की बुद्धि में निराकार शिव बाबा का ही चित्र आता है। अब तुम बच्चे प्रैक्टिकल में जानते हो, भोलानाथ बाबा कहने से भक्ति मार्ग वालों का कोई मुख मीठा नहीं होता है। भल कितने भी महिमा करते रहे मुख मीठा नहीं होगा। अभी तो बच्चे शिव बाबा को याद करते हो, बाबा शब्द में जो ताकत है बाकी शब्दों में नहीं है। और बाबा तो ये तो रिश्ता वाला रिश्ता भी है और वर्षा भी मिलता है। शिव भोलानाथ बाबा कहने से मुख मीठा होता है। शिव बाबा हमको पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक बनाते। बाबा कहते हैं, बाबा कहने से बच्चों को प्रॉपर्टी भी याद करती है। तो बच्चे जानते हो वही हमारा शिव बाबा है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। झाड़ का एक ही बीज होता है तो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का वह एक बीज है जिससे फिर मनुष्य सृष्टि रची जाती है, क्योंकि वो बाप है ना, बाकी सब हुए उनके बच्चे। भक्तों का भगवान बाप एक ही है। भक्त अनेक है लेकिन भगवान बाप एक ही है। भक्त याद करते हैं भगवान को परंतु पूरा जानते नहीं, यह भी ड्रामा में नूंद है। बच्चों को इस ज्ञान और योग बल से सदा सुखी बनाए। मैं छिप जाता हूँ परमधाम में। ज्ञान सागर भी एक ही है, जैसे वह पानी का सागर है एक है लेकिन उसको बांटा गया है। हिंदी महासागर है, बाकी भी है। ये इंडिया का सागर, ये फलाने का सागर, वास्तव में सागर एक ही है। सतयुग में इस सागर को बांट नहीं सकते। एक ही सागर रहता है जिसके तुम मालिक बनने वाले हो। ऐसा होना चाहिए, एक ही सागर होगा उसके हम मालिक होंगे। वहाँ इतने खंड थोड़े ही रहते हैं। एक बाप की एक राजधानी होती है, इसलिए इसे भारत पर वर्ल्ड अल्बर्ट अथॉरिटी का एक ही राज्य था। देवी देवताओं के राज्य को भगवान भगवती का राज्य कहा जाता है। विलायत वाले गॉड गॉडेस कहते हैं परंतु जानते नहीं वह कब राज्य करते थे, कैसे राज्य पाया। देवताओं ने राज्य कैसे पाया किसी को भी पता नहीं है। ज्ञान सागर बाप एक है, वही ज्ञान से सबकी सदगति करते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हमारे सामने ज्ञान सागर बैठा हुआ है, उनसे ज्ञान गंगाएं निकल सारे विश्व को सदगति देती है। सदगति माना सुख देती है। इसको ज्ञान अमृत कहते हैं। अमृत शब्द से ही पुजारी लोग चरण धोकर किसी भी मंदिर में मूर्ति की जो चरण होते हैं उसको धोते हैं और फिर वह अमृत बनाए पीते हैं, पिलाते भी हैं। वास्तव में उसको अमृत नहीं कहा जाता है। आजकल दवाइयों का नाम भी अमृत रखा हुआ है। और ऐसे जो गावा फल होता है, पेरू होता है, उसको भी अमृत ही बोलते हैं, अमृत फल। और दवाइयाँ भी अमृत, बहुत सारे अमृत ही उसमें रहता है, विशेष हमारे आयुर्वेद में। तो बाबा कहते हैं कि जिससे सब दुख दूर होते हैं वो बाप नहीं,
यह तो बाबर बच्चों को योग सिखाते, योग को अमृत नहीं कहा जाता, योग को अमृत नहीं कहा जाता। योग अग्नि से ही तुम्हारी सब बीमारियां 21 जन्मों के लिए दूर होगी। ये सब जन्म की नहीं, इसमें तो अंत तक भोगते रहेंगे। यह है योग की बात। देखो बाबा कहते 21 जन्मों की बीमारियां सब दूर होगी और इस जन्म के नहीं, इसमें तो अंत तक भोगते रहेंगे। बाबा कहते हैं योग लगाओ तो तुम्हारी सब बीमारियां नष्ट हो जाएगी, फिर कब बीमार होंगे ही नहीं। सत्युग और त्रेता युग में तो द्वापर युग में भी नहीं, द्वापर युग के अंत में फिर कलयुग की स्टार्टिंग में ये बीमारियां सारी निकली हुई है। तुम पुरुषार्थ करते हो बाबा से हेल्थ वेल्थ लेने के लिए। कौन सा पुरुषार्थ करते हैं? बाबा से हेल्थ वेल्थ लेने का। वहाँ कोई बीमारी होती नहीं, मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो कभी बीमारी होगी नहीं। तो ये गहरी चिंतन की बात है कि बीमारी और कर्मों का क्या हिसाब है। चिंतन करते रहे कौन सी बीमारी है और उस बीमारी क्यों हुई है, उसकी क्या वीकनेस है। आत्मा में जो वीकनेसेस है उसके कारण शरीर में वो बीमारियाँ पैदा होती है। तो बाबा कहते हैं कि कहते हैं व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए परंतु यह सब ड्रामा में लूंद है। नाम पड़ गया व्यास का, यह बना बनाया ड्रामा है। जो भी तुमने देखा वह सब ड्रामा में लूंद है, अनादि बना बनाया है, ये बदल नहीं सकता है। भक्ति मार्ग द्वापर से प्रारंभ हो जाता, भल कोई कितने भी भक्ति करे शास्त्र पढ़े वापस नहीं जा सकता। सतो प्रधान से तमो प्रधान में जरूर आना है, ये चक्कर ही है, त्रिगुणातीत है। हम आत्माएं त्रिगुण में आती है, सत्व रज और तम में। तो बाबा कहते हैं इस कर्म क्षेत्र से बाहर कोई नहीं जा सकता है। तुम जानते हो हम सो सतो प्रधान थे, अब हम सो तमो प्रधान बने हैं। ड्रामा अनुसार बनना ही है। भक्ति मार्ग में रात शुरू हो अंधेरा हो जाता है, पहले इतना अंधेरा नहीं होता है जितना अभी है। रात को भी पहले सतो प्रधान फिर सतो रजोतमो कहा जाता है। बाबा कहते हैं रात में भी नुमा शाम होती है, फिर धीरे 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 रात बढ़ती जाती है और रात को 12-2-1 बजे तक तो घोर अंधेरी रात कहेंगे ना उसको, तो वो तमो प्रधान है। धीरे धीरे कला कमती होती घोर अंधेरा हो जाता। अभी सृष्टि पर बेहद का ग्रहण लगा है, एकदम घोर अंधेरा है। इस चंद्रमा की बात नहीं है, सारे विश्व की बात है। रावण का ग्रहण लगा हुआ है। कौन सा ग्रहण लगा है सभी को? रावण का। द्वापर से लेकर सारे विश्व को ग्रहण लगना शुरू हुआ, थोड़ा थोड़ा लगता जाता। 2500 वर्ष लगता है जबकि अंत में भारत बिल्कुल ही काला हो जाता है। अभी तो अमावस की रात थी, अमावस की रात में चंद्रमा तो दिखाई नहीं देती है। तो बाबा कहते हैं कि बिल्कुल अघोर अंधेरा है, घोर सोजरा अर्थात दिन बनाने वाला है बाबा, पतित को पावन बनाने वाला है बाबा। माया रावण की रात घोर अंधेरा बनाती है। भक्ति करते भगवान को याद करते ही आते हैं, भगवान भगवान को याद नहीं करते। सर्वव्यापी के ज्ञान वालों को समझाना चाहिए, मेरे में भगवान तेरे में भगवान, तो भगवान भगवान को याद कैसे करेगा। गॉड इज वन, गॉड फादर इज वन, वो है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, बाकी सब है रचना। रचना की ऐसी महिमा कभी नहीं होती। अगर कोई आत्मा सु परमात्मा कहे तो उनकी महिमा गाई नहीं जा सकती। गाय उस एक बाप का ही है। पतित पावन मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, फिर कौन है भगवान? सत्य चैतन्य सतचित आनंद स्वरूप, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर। कोई भी मनुष्य की महिमा हो नहीं सकती है। ज्ञान से जीवन मुक्ति का रस एक सेकंड में आ जाता है, ज्ञान से जीवन मुक्ति का रस एक सेकंड में आ जाता है।
भगवान वाच गीता में है ना, यज्ञ तप तीर्थ दान पुण्य आदि सब करना, वेद शास्त्र पढ़ना, ये सब क्या है, भक्ति मार्ग है, इनसे कोई भी मेरे पास आ नहीं सकता है। पिछाड़ी में सबको पाठ बजाने आना है, गॉड फादर इज वन, वही करण करावन हार है। इसलिए ब्रह्मा से सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराते हैं। मनुष्य को करण करावन हार नहीं कहेगी, गॉड को ही क्रिएटर डायरेक्टर कहा जाता है। बच्चों को डायरेक्शन देते रहते हैं, डायरेक्शन को ज्ञान कहा जाता है, परमात्मा का जो डायरेक्शन है उसको ही ज्ञान कहा जाता है। बाकी के लोगों ने जो भी डायरेक्शन दिया पर मत कहेंगे, या अपना डायरेक्शन खुद का मन मत कहेंगे, लेकिन परमात्मा के डायरेक्शन को ही क्या कहते हैं, ज्ञान। तो बच्चों को खुद बैठ समझाते, आत्मा इन आंखों से देखती है, भ्रुकुटी के बीच में रहती है, मुख से बोलती है। परमपिता परमात्मा भी जब आए तब मुख से ज्ञान सुनाए, कहते हैं मैं इस रथ में रथी हो बैठा हूँ, तुमको सहज राजयोग सिखाता हूँ, तुम राजऋषि हो, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो कहे हे लाडले बच्चे तुम राजऋषि हो। हाँ, इतना माँ बाप तो कहते हैं मेरा लाडला बच्चा, प्यारा बच्चा, मीठा बच्चा, लेकिन राजऋषि बच्चे तो कोई नहीं कहेगा, सिवाय बाप के कोई की ताकत नहीं ऐसी बात करने की। राजऋषि कितनी सुंदर सुंदर सामान सामानों से बाबा ने हम बच्चों को सजाया है। हाँ, तो बाप कहते हैं बच्चे, इनकी आत्मा भी सुनती ब्रह्मा बाबा की, इनको भी कहते हैं बच्चे तुम राजऋषि हो। हाँ, तुमको राजाई के लिए हमने शिक्षा देनी है, 5000 वर्ष पहले मैंने तुमको शिक्षा दी थी, हर 5000 वर्ष के बाद शिक्षा देने आते हैं, ऐसे कोई साधु संत आदि कह न सके, बाबा ही समझाते हैं, उनको खिवैया कहते हैं। बरोबर, तुमको विशेष सागर से निकाल शिव सागर में ले जाते हैं, तुम बड़े आराम से बैठे हो, या कोई तकलीफ है बच्चों को? हाँ, आराम से बैठे हैं ना। अब तुम बच्चे जानते हो, बाबा कहते हैं मैं ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता हूँ, फिर यह ब्रह्मा सरस्वती विष्णु का रूप बनते हैं, तुम विष्णुपुरी के मालिक बनते हो, ये है गुप्त बातें, तुम बच्चे ही जानो और न जाने कोई। पहले पहले जब कोई आते तो उनको समझाना चाहिए गॉड फादर इज वन। आज बाबा 3-4 बार कहा ना गॉड फादर इज वन, तो जरूर बाकी इतने सब बच्चे उनके हैं। परमपिता परमात्मा एक ही है, वह है मनुष्य सृष्टि का बीज, सभी भक्तों का भगवान, सबको सुख देते हैं। यहाँ कलयुग में तो बहुत दुखी है, मनुष्य त्राही त्राही करते रहते हैं, सतयुग में दुख की बात नहीं, यहाँ तो सारी दुनिया में ढेर भक्त है, यह मंदिर मस्जिद आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, सतयुग में यह होते नहीं, वो है भक्ति कल्ट और यह है ज्ञान कल्ट। जब रात शुरू होती है तो पहले सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं, रात शुरू मना द्वापर युग जब आता है, भक्ति मार्ग शुरू होता है, तो पहले हम सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। तो तुम्हारे पास जब कोई आते हैं तो पहले उनको समझाओ गॉड फादर इज वन, आज बाबा इसके ऊपर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। भारत में गाते हैं तुम माता पिता हम बालक थे, यह है मदर फादर कंट्री, जगत अम्बा जगत पिता दोनों हैं। दिल वाला मंदिर भी एक्यूरेट बना हुआ है, लक्ष्मी नारायण का चित्र मंदिरों में एक्यूरेट बना हुआ है, लेकिन ओरिजिनल चित्र निकाल न सके। देखो इतने सुंदर बने हैं फिर भी बाबा कहते हैं ओरिजिनल है नहीं है, इससे भी बहुत सुंदर होंगे वो देवता। हाँ, तो कोई एक्टर का ही चित्र ले फिर बनाते हैं, उन्होंने तो राज्य किया सतयुग में, मनुष्य कहते हैं सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, लक्ष्मी नारायण के बचपन की कोई हिस्ट्री नहीं है, राधे कृष्ण की है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते, फिर नारायण अष्टमी कहाँ गई भाई, श्री कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए, राधे कृष्ण तो प्रिंस प्रिंसेस है ना, दोनों अपने अपने राजधानी में रहते हैं, जरूर स्वयंवर हुआ होगा तब राजगद्दी पर बैठे होंगे,
राधे कृष्ण का राज्य तो है नहीं, राज्य किसका है? लक्ष्मी नारायण का है। राधे कृष्ण तो बचपन का उनका रूप है, सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना है, चंद्रवंशी में तो सूर्यवंशी श्री कृष्ण आने सके बड़े मुझ गए हैं। तो पहले पहले समझाना है गॉड फादर एक है, पांचवी बार बोला, वो होते हैं हर के फादर, स्त्री रची जाती है और फिर स्त्री से बच्चे पैदा करते हैं। स्त्री को एडॉप्ट किया, जन्म तो नहीं दिया ना, जब शादी होती है तो क्या होता है, पत्नी को एडॉप्ट करते हैं फिर बच्चे होते हैं। बेहद का बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर एडॉप्ट करता हूँ ब्रह्मा बाबा को। भगवान ने सृष्टि कैसे रची किसको पता नहीं, ऐसे नहीं प्रलय हो जाती है फिर सागर में पत्ते पर आते हैं। अगर ऐसा है तो अकेला श्री कृष्ण कैसे सृष्टि रचेगा, फिर तो दो चाहिए, फीमेल भी चाहिए, परंतु तो ऐसी कोई बात नहीं। बाबा कहते हैं मैं एडॉप्ट करता हूँ। तुम सब कहते हो बाबा हम आपकी वंशावली है, मुख वंशावली, मैं इस मुख का आधार लेता हूँ, कहता हूँ हे बच्चे, तुम भी कहते हो हे शिव बाबा हम आपके बच्चे हैं, फिर बनेंगे, अभी बने हैं फिर बनेंगे। बाबा कहते तो बच्चों के लिए मैंने वैकुंठ की सौगात लाई है, दिखाई दे रही सभी को वैकुंठ की सौगात, तुम यहाँ बैठे हो स्वर्ग का मालिक बनने के लिए, यह राजयोग है, राजाई स्थापन हो रही है। और प्रिसेप्टर ऐसे नहीं कहेंगे मैं क्रिश्चियन राजाई स्थापन करता हूँ या सिख राजाई स्थापन करता हूँ, जो भी धर्म संस्थापक आते हैं वो खाली धर्म की स्थापना करते हैं, राज्य की स्थापना नहीं करते हैं, और राज्य की स्थापना तो परमात्मा करते हैं, इसलिए उनको धर्म राज कहते हैं, धर्म भी स्थापन करते हैं और राज भी। तो बाबा कहते हैं तुम नई दुनिया में राजा लेने के लिए शिक्षा पा रहे हो, ये वटर है, गॉड फादर है स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर उनसे हमको स्वर्ग का, स्वर्ग के राजा ही पाने का हक है ना। सतयुग में राजा थे, मनुष्य सृष्टि कैसे क्रिएट करते हैं अभी तो बच्चे जानते हो, भगवान वास यह है हमारे मुख वंशावली, बाकी सभी है रावण की कुक वंशावली, वह ब्राह्मण मुख वंशावली, तुम ब्राह्मण मुख वंशावली, तुम समझा सकते हो ब्रह्मा की औलाद जरूर ब्राह्मण ठहरे, ब्रह्मा है प्रजापिता ब्रह्मा, तो उनकी संतान भी ब्राह्मण है, ब्राह्मण के बच्चे ब्राह्मण होते हैं, तो वो ब्रह्मा की सच्ची औलाद ब्राह्मण, ब्राह्मण है सबसे ऊंच, ब्राह्मणों को चोटी में रखा जाता है, जैसे ऊंच के ऊंच भगवान शिव बाबा को त्रिमूर्ति के चित्र से उड़ा दिया है, वैसे ऊंच के ऊंच ब्राह्मणों की चोटी को भी क्या किया है, ब्राह्मणों को भी चोटी से उड़ा दिया है, विराट रूप में ब्राह्मणों को नहीं दिखाते हैं, सिर्फ कहते हैं देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, पहले तुम ब्राह्मण हो, तुम कितनी भारी सेवा करते हो, ले भारी कितनी भारी सेवा करते हो, ऊंच ते ऊंच भगवान फिर उनसे पैदा किए हुए तुम बच्चे हो, शिव बाबा तुम नई सृष्टि पर आते नहीं, तुम आते हो, शिव बाबा कहते मैं तुमको राज्य देता हूँ, फिर मेरा नाम गुम हो जाता है, मैं छिप जाता हूँ, बाबा परमधाम में हमें राज्य दे करके छिप जाते हैं, मैंने क्या किया कैसे सृष्टि रची कोई नहीं जानते, अब नया कोई आता है तो जास्ती माथा नहीं मारना, पहले पहले परिचय दे रहे बाबा का, वो है स्वर्ग का रचयिता, देवताएं स्वर्ग के मालिक थे, फिर 84 जन्म लेते अब शूद्र वर्ण में है, फिर उनको ब्राह्मण बनाते, वर्ण भी है ना, विराट रूप का चित्र भी है, ब्राह्मणों की चोटी के आगे शिव भी जरूर देना है, जैसे त्रिमूर्ति पर शिव दिखाते हैं वैसे ब्राह्मणों के ऊपर भी शिव दिखाना है, समझाना है शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनाते, वह फिर ब्राह्मण सो देवता सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। पहले पहले कोई को अल्प भी अल्प पर समझाना, जो कोई नया आएगा बाबा के ऊपर ही उनको लेके जाना है, बाबा का नॉलेज सुनाना है, वह बाबा इस ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते तो सब भाई बहन हो गए, शिव के संतान तो सब आत्माएं हैं ही, फिर मनुष्य सृष्टि रची जाती है तो पहले पहले ब्रह्मा सरस्वती ब्राह्मण फिर देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र है।
ऐसे यह मनुष्य सृष्टि का ध्यान बुद्धि को पाता है, उसी बाप को सब भूले हुए हैं। देखो बाप दादा कितना क्लियर कर समझाते, बच्चों को भी ऐसे सीखना चाहिए समझाने का। अच्छा मीठे मीठे सीखिले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, हम राज ऋषि हैं, स्वयं भगवान हमें राजयोग सिखलाकर राजाई का वर्षा देते हैं, इस नशे में रहना है। योग अग्नि से विकर्मों को दब दब कर बीमारियों से सदा के लिए मुक्त होना है। इस जन्म के कर्म भोग को याद में रह चुकू करना है। वरदान पवित्रता की विशेष धारणा द्वारा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले ब्रह्मचारी भव। ब्राह्मण जीवन की विशेष धारणा है पवित्रता, यही निरंतर अतीन्द्रिय सुख और स्वीट साइलेंस का विशेष आधार है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है लेकिन ब्रह्माचार्य, सदा ब्रह्माचार्य अर्थात ब्रह्मा बाप के आचरण पर हर कदम चलने वाले, संकल्प बोल कर्म रूपी कदम ब्रह्मा बाप के कदम के ऊपर कदम हो, ऐसे जो ब्रह्माचारी है उनका चेहरा और चलन सदा ही अंतर्मुखी और अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कराएगा। स्लोगन है सेवा में त्रिकालदर्शी का सेंस और रूहानियत का एसेंस भरने वाले ही सर्विसेबल है। सेवा में त्रिकालदर्शी का सेंस और रूहानियत का एसेंस, एसेंस हमको पता है ना, जो बहुत ही खुशबूदार लिक्विड होता है एसेंस, हम जल बनाने में यूज करते हैं बाबा के अमृत बनाने में, विशेष रूहानियत का भरने वाली सर्विस है। तो ऐसे पवित्रता की विशेष धारणा द्वारा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले ब्रह्माचारी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।